गुड मॉर्निंग बच्चों, साईराम। बच्चों, आज का जो यह 8वीं कक्षा का कालांक जो है हिंदी का, उसमें मैं आपको नौवां पाठ, जो कि एक कविता है जिसे हम संतवाणी बोलते हैं, वह आपको पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, संतवाणी क्या होती है? आप सभी को पता है कि हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं, वह हमेशा आप देखते हैं कि प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। प्रवचन क्यों सुनते हैं? ताकि उन्हें अच्छी बातों का पता चले और वह उन बातों को वह अपने जीवन में उतार सकें और अपना जीवन सफल बना सकें। संतवाणी भी हमें बहुत कुछ संसार से संबंधित बताती है और जो सही गलत है उसके बारे में भेद करना बताती है। इस संतवाणी में हम बहुत ही महान संत, पहले हम कबीरदास जी को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। यह जो हमारी अगली जो कविता है वह बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा व्याख्यित है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचने और समझने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं तो यह हमारे जीवन से संबंधित ही है और सुनने में भी अच्छी लगेगी और समझने में भी आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं आज का यह कालांश हिंदी का जो है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? अनमोल वाणी। अनमोल वाणी में हम जो दो संतों के बारे में पढ़ेंगे, संत कबीरदास जी जो कि बहुत ही महान संतों में से एक है, और सूरदास जी जो है वो भी संत, लेकिन भक्त सूरदास इसलिए कहा गया है क्योंकि वे कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त माने गए थे और ऐसा बोला जाता है कि इन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन कृष्ण जी के बारे में सब कुछ इन्होंने लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि संत कबीर और भक्त सूरदास, यह दोनों की जो महिमा है वह अपरंपार है। इनके बारे में हम इनके शब्दों को आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम अपना अनमोल वाणी क्या है वह देखते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि संत कबीर और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। संत कबीर जिनका जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ था, इनकी मृत्यु माना जाता है, ऐसा किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ एक अंदाजे से लोग बोलते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वह लगभग का अर्थ ही है कि हमें यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में। परिचय, भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। बच्चों, भक्तिकालीन निर्गुण, भक्तिकालीन इसलिए कि वह जो समय था वह भक्तिकाल से संबंधित समय था, इसके लिए उस समय में जितने भी कवि हुए, इस समय के बीच में जितने भी कवि हुए वे कौन से कवि थे, ये भक्तिकालीन कवियों में से एक माने जाने लगे। ठीक है, इन्होंने कभी भी इन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखा, ऐसा बोला जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी जो भाषा थी और इनके जो शिष्य थे, ये इनके इतने बड़े शिष्य थे कि वे हमेशा इनके जो बातों को थे ना, उन्हें नोट डाउन करके रखते थे, कहीं ना कहीं लिख कर रखते थे, और वही आगे चलकर जो है हमें संत कबीर के नाम से आज हमें यहाँ पर पढ़ने में मदद मिल रही है। तो न बिना पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी कितनी बड़ी बात बोल गया है, जो कि आज हम इस संत कबीर का जो दोहा पढ़ेंगे उसके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये जो संत कबीर जी हैं वह मेरे भी बहुत ही पसंदीदा संत रह चुके हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि कबीर जी ने क्या लिखा है, हमें संसार के बारे में क्या बताया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल गया है कि इधर पे आपको क्या बता रहे हो, मानवता एवं समता पर प्रबल समर्थक थे, तो उन्होंने मानवता और समता को भी यहाँ पर आपको बताया है। इनकी कृतियाँ क्या थी? कृतियाँ मीन्स इन्होंने क्या क्या लिखा है, साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है, उनमें से ही कुछ अंश आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम देखते हैं कि संत कबीरदास ने यहाँ पर क्या हमें बताया है और भक्त सूरदास जी ने हमें क्या बताया है। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपना कर आगे बढ़ने को कहा है, और भक्त सूरदास जी ने क्या कहा है, रचित यह पद सूर सागर महाकाव्य से लिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि यह जो हम संत कबीरदास के जो कुछ अंश जो लिखे हुए पढ़ रहे हैं वह उनके बीजक जो ग्रंथ है उससे थोड़ा सा लिया हुआ है, उसका कुछ थोड़ा सा अंश है, और सूर सागर जो है जो भक्त सूरदास द्वारा लिखी हुई है, जो पूरी तरह से किसके ऊपर आधारित है, भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं से संबंधित है, तो इसमें से थोड़ा सा अंश जो है महाकाव्य का उसमें वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। चलिए हम पहला जो दोहा है कबीर जी का वह देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको पता होगा तो जितने भी दोहे होते हैं ना,
दोहा मतलब क्या, दो लाइन की, दो पंक्तियों की, ठीक है। और इसमें कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जा सकती हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, कबीरा तैसी बानी होए। देखिए बच्चों, ये जो आप दोहा देख रहे हैं, इस दोहे के द्वारा कबीर जी ने क्या कहा है वह हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस दोहे का भावार्थ क्या है। सबसे पहले इसमें आपको एक ही कठिन शब्द दिख रहा है, बानी। बानी का मतलब क्या होता है, क्या होता है बानी का अर्थ बच्चों? वाणी, जो हमारे शब्द होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे भावार्थ को। कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे तो वैसा ही हमारा मन होगा, जैसा हम पानी पियेंगे उसी प्रकार हमारी वाणी होगी, हमारी बोली होगी। कबीर के अनुसार यदि हम ईमानदारी से कमाया हुआ सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे विचार पवित्र होंगे, और यदि हम बेईमानी से कमाया हुआ तामसिक भोजन करेंगे तो हमारे व्यवहार भी अपवित्रता आ जाएगी। बहुत ही देखिए, आज जो हो रहा है समाज में, उन बातों को कितना ही समझदारी के साथ में दो दोहे की दो पंक्तियों के द्वारा कबीर जी ने हमें इतनी बड़ी बात समझा दी है। कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा खाना करेंगे, जैसा हम खाना खाते हैं, जैसे हमारे कर्म होंगे उसी तरह से हमारे कार्य भी होंगे, उसी उसी तरह से हमें फल भी मिलेगा। जैसा खाना खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, और जैसा हम पानी पियेंगे वैसी हमारी वाणी बदलेगी। ऐसा बोलते हैं ना कि कदम कदम पर वाणी भाषा बदल जाती है जो होती है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जहाँ का जैसा पानी होता है वहाँ का वैसा स्वभाव होता है, वैसी वाणी होती है। तो हमें कबीर जी ने बहुत ही कम शब्दों के द्वारा बहुत बड़ी बात बताई है। अगला दोहा देखते हैं बच्चों, हम क्या कहा है कबीर जी ने। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न कोई। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं बच्चों कि जब मैं बुरे लोगों की तलाश में निकला तो मुझे कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला, तब जाकर उन्होंने स्वयं के भीतर देखा, मतलब अर्थात उन्होंने आत्मचिंतन किया तो देखा कि इस संसार में उनसे बुरा तो कोई नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसका मतलब यह है कि कबीर के अनुसार दूसरों में बुराई खोजना सबसे बड़ी बुराई होती है। यह सही बात है ना बच्चों? अगर हम दूसरों में बुराई, हमें क्यों नहीं लोगों की अच्छाई दिखती है, हम हमेशा बुराई क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर खुद बुराई मौजूद है। जब हम खुद बुरे हैं तो हम दूसरों में भी क्या देखेंगे बच्चों? बुरा देखेंगे। अगर हम खुद अच्छे रहेंगे तो हम दूसरों में अच्छा बात ही ढूंढेंगे, अच्छा स्वभाव ही ढूंढेंगे। तो यहाँ पर कठिन शब्द क्या है बच्चों देखते हैं। पहला है मिलिया, जिसका अर्थ होता है मिला, कोई अर्थात कोई, खोजा अर्थात ढूंढना, ठीक है बच्चों। अगला दोहा देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हों शीतल होए, कबीरा आप हों शीतल होए। बच्चों हम यहाँ पर कठिन शब्द देखते हैं। आपा का अर्थ होता है अहंकार, औरन का अर्थ होता है दूसरों को, शीतल का अर्थ होता है ठंडा या शांति। भावार्थ देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या कहा है कबीर जी ने हमें। कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन के अहंकार का त्याग करना चाहिए और मीठा ही बोलना चाहिए। ऐसा करने से दूसरों के साथ हमें भी सुख और शांति मिलेगी। यहाँ कबीर कहते हैं कि मीठी वाणी से सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। देखिए, छोटी छोटी बातों से कबीर जी ने हमें कितनी बड़ी बड़ी बातों को समझाने की कोशिश की है। तो संत कबीर को संत कबीर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वे बहुत बड़े संतों में से एक माने जाते हैं। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने हमें क्या समझाया है बच्चों कि अगर हम खुद शांत रहेंगे, हम खुद अच्छे रहेंगे तो हम दूसरों को भी शांति प्रदान करेंगे, और जब दूसरे शांत रहेंगे तो ऑटोमेटिक हम खुद शांत रहेंगे, ठीक है। आप कभी कभी किसी से झगड़ा करके देखिए, अगर आपने झगड़ा किया तो पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि किसी से भी हमें मन मुटाव के साथ में नहीं रहना चाहिए। यह जो हमने तीन दोहे यहाँ पर देखे हैं वह संत कबीर जी ने कहा है। बच्चों हम आगे देखते हैं कि जो भक्त सूरदास है उन्होंने सूरसागर महाकाव्य में जो लिखा हुआ है बताया है उसमें से छोटा सा एक अंश है जो कृष्ण जी की बाल लीलाओं से संबंधित है, उसे हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम उनका परिचय देखते हैं बच्चों। भक्त सूरदास, जिनका जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, मृत्यु
1563 से लेकर 1591 के बीच। परिचय, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते। वात्सल्य का अर्थ होता है बच्चों ममतामयी। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। अगर आप कृष्ण भक्त के नामों की सूची निकालेंगे तो जो ये तुलसी सॉरी सूरदास जी हैं वो उनका नाम सर्वोपरि सबसे ऊपर आता है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ वो क्या हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। ठीक है बच्चों, तो इनके हम कृति जो हम थोड़ा सांस पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो क्या है वो देखते हैं। इसको मैं आपको गा के नहीं बता सकती हूँ क्योंकि यह अवधी भाषा में है और बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो इसे मैं पढ़ूंगी आपके सामने। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यो, हवे है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत पच पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजवी दो भैया, हरी हलधर की जूटी। भक्त सूरदास ने इसे लिखा है। यहाँ पर हम सबसे पहले कठिन शब्द क्या है बच्चों वह देखेंगे। कबहीं का अर्थ होता है कब, चोटी का अर्थ होता है वेड़ी, मोटी का अर्थ सॉरी मोही का अर्थ होता है मुझे, पियावत पिलाती है हरी कृष्णा, ज्योति का अर्थ होता है बच्चों जोड़ी, हरी हलधर की जोड़ी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर के द्वारा एक चित्र दिया हुआ है जिसमें जो कृष्ण भगवान हैं उनकी बाल लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। इसका भावार्थ देखने की और समझने की कोशिश करेंगे बच्चों हम लोग। यह बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा इनसे कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितना समय गुजर गया है, आप मुझे आप दूध पिलाती हैं फिर भी यह छोटी छोटी ही है। तू तो कहती थी कि दूध पीने से यह चोटी बलराम भैया की तरह मोटी होगी, लंबी होगी और कंघी करते घूमते व स्नान करते समय वह चोटी नागिन की तरह भूमि पर लटकने लगेगी। अगली पंक्ति में श्री कृष्ण थोड़ा रूठ कर कहते हैं कि ऐसी ही चोटी का मुंह दिखाकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और माखन रोटी नहीं देती। क्योंकि आपको सबको पता है कि कृष्ण भगवान का जो पसंदीदा था खाना वो क्या था, माखन और रोटी। बट यशोदा माँ यहाँ पे उनको माखन रोटी न देके बार बार उन्हें कच्चा दूध पिलाती हैं और उन्हें क्या बोलती हैं कि ये पियोगे तो तुम्हारी चोटी दाऊ भैया जैसी लंबी और बड़ी हो जाएगी। सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की लीलाओं पर मोहित होते क्योंकि उनके बहुत ही बड़े भक्तों में से एक है सूरदास जी, वे उन पर मोहित होते हुए क्या कहते हैं, दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम लंबी आयु के हैं, चिरंजीवी हो मतलब लंबी उम्र के रहो और दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, दोनों खुश रहे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपनी माता जी से हट कर रहे हैं कि उन्हें माखन रोटी दे दो क्योंकि वो उनके पसंदीदा उनके उनका पसंदीदा खाना है और वो बहुत बार मांगने के बाद भी जब उन्हें नहीं मिलता है तो वह रूठ जाते हैं और कहते हैं कि हमेशा तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, अब मैं नहीं पीऊँगा। और इनकी जो ये बाल लीलाएँ हैं इन बाल लीलाओं पर मोहित होकर सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई जो कृष्ण बलराम हैं इनकी लंबी आयु हो और इनकी जोड़ी बनी रहे। ठीक है बच्चों, तो आपको आज इस संतवाणी के द्वारा मैंने आपको अनमोल वचन के द्वारा मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया कबीर जी के कुछ दोहे और भक्त सूरदास जी के कुछ बातें जो उन्होंने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अब आपको कितना समझा है हम आगे देखते हैं। पहले हम स्वाध्याय देखते हैं, शब्द वाटिका शब्दार्थ क्या है। देखिए कबहीं का मैंने बताया था कब, चोटी चुटिया जो होती है वेड़ी, अजहूं अब तक, काचो कच्चा, पची पची का अर्थ होता है बच्चों बार बार, चिरजीवी लंबी आयु, दो दोनों, हलधर बलराम। ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न देखते हैं आपको कितना समझा है अभी आपको इधर से समझ में आएगा। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कृति पूर्ण करो, ऐसी वाणी बोलनी है जिससे उत्तर क्या होगा बच्चों, अगर आपको याद होगा तो सामने वाला हमारी बातों में खो जाए और सामने वाला भी सुखी रहे और हम भी सुखी रहें। ठीक है, दूसरा क्या है, कविता के इस अर्थ में आए शब्द लिखो, जो आपको यहाँ पर शब्द दिया है इसका कविता में क्या अर्थ आया है वो हमें लिखना है। ठंडा का क्या आया था, शीतल, कोई का कोई, बलराम को हलधर बोला जाता है, देखो लास्ट में अंतिम पंक्ति में दिया हुआ है हलधर, मक्खन को माखन कहा जाता है। ठीक है, आकृति पूर्ण कीजिए, श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें, क्या कहा था श्री कृष्ण जी ने अपने माता जी से कि दाऊ भैया के समान चोटी जो लंबी हो
और कंघी करते और गुथते समय वह नाखून के समान भूमि पर लटके, ऐसी चोटी जो है कृष्ण भगवान को अपनी करनी थी, जिसके लिए वो बार बार माखन रोटी खाने की जिद कर रहे हैं माँ यशोदा के सामने और बोलते हैं कि मुझे कच्चा दूध अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो अनमोल वाणी है उसमें संत कबीरदास और भक्त सूरदास जी ने किन किन बातों को हमें समझाने की कोशिश की है, और आपको उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा जो भी मैंने आज आपको अनमोल वाणी पढ़ाई है वह बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो उसे फिर से आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो को फिर से देखेंगे, और जो भी प्रश्न उत्तर शब्दार्थ कठिन शब्द मैंने आपको वीडियो के दौरान बताए हैं उसे अच्छे से अपनी हिंदी पुस्तिका में नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में यहाँ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको फिर से कुछ नया विषय लेकर फिर से पढ़ाऊंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑनलाइन सेशन का आज का यह क्लास यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।